लेमिनार एयर फ्लो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल होता है उसमें जो हेपा फिल्टर होता है वो ऊपर लगा होता है और एयर का जो प्रेशर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें हेपा फिल्टर सामने लगा होता है और जो एयर का प्रेशर होता है वो सामने से लगा रहता है। तो यूज करने से पहले जो आपको इसमें अब तीन स्विच आपको मिलेगा, एक एयर का, एक लाइट का और तीसरा है आपको यूवी का। तो आपको सबसे पहले जो है यूवी को ऑन करना है और 15 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। जब आपको यूज करना होगा यूवी लैंप को तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सारे जो भी केमिकल होगा कल्चर प्लेट या जो भी मीडिया होगा उसको आपको हुड के अंदर रख देंगे, और 70% अल्कोहल से 70% अल्कोहल से जो हुड के अंदर जो है सरफेस होगा उसको क्लीन करना है, और यूवी लैंप 15 से 20 मिनट के लिए हम ऑन करके छोड़ देंगे ताकि उसके अंदर जो भी एयरबॉर्न पार्टिकल होगा, जर्म्स होगा, कंटामिनेशन होगा वो ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है, फिर उसको आप क्या करेंगे, लेमिनार एयर फ्लो बंद करके लाइट ऑन कर देंगे और जो एयर का जो है वो जो ब्लो होता है उसको ऑन कर देना है, तभी उसमें आपको अंदर हाथ डालना है, और हाथ डालने से पहले आपको 70% अल्कोहल से आपको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद आपको उसके अंदर हाथ डालना है और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगा वो पहले से उसमें ऑलरेडी मौजूद होगा, जैसे 70% अल्कोहल हो गया, स्प्रे लैम्प हो गया, आपको अल्कोहल हो गया, जो भी कल्चर मीडिया प्लेट हो गया, आपको जो भी इनोकुलेटिंग वो पहले से उसमें मौजूद होगा, जैसे मैच बॉक्स, टिश्यू पेपर, ब्लॉटिंग पेपर, सारा चीज़ उसमें पहले से मौजूद होना चाहिए। तो इसका यूज बेसिकली करते हैं हम कल्चर प्लेट बनाने के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके लिए हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जो है 70% अल्कोहल से आपको क्लीन करना है, आपके जो सरफेस होता है उसको, हम जैसे कि मैं इसमें क्लीन कर रहा हूँ 70% अल्कोहल से जो सरफेस होता है उसको क्लीन करना है, और हमने जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था हमने पहले उसमें रख दिया, ठीक है। तो ये बहुत जो है ये क्या है कि स्टरलाइजेशन का एक टेक्निक होता है, जो लेमिनार एयर फ्लो होता है इसमें स्टरलाइजेशन का एक टेक्निक होता है। इसमें क्या होता है कि जो जो बाहर का जो एक एक जो ना उसमें एक एग्जॉस्ट फैन की तरह उसमें लगा रहता है, फैन लगा रहता है, तो वो क्या करता है, एक बाहर का जो हवा होता है उसको अपनी तरफ खींचता है, और उसमें एक हेपा फिल्टर लगा होता है जो 0.3 माइक्रोन जो होता है उससे भी जो है जो एयरबॉर्न पार्टिकल उसको वो फिल्टर कर देता है, और फिल्टर करने के बाद जो है वो जो है वो जो जो कंटामिनेशन फ्री एयर होगा वो एयर पास कर देता है, और एक प्रेशर बांटता है एयर का प्रेशर, ताकि जो हुड के बाहर का जो एयर होगा वो अंदर नहीं आ जाएगा, उसके लिए भी ये भी होता है। तो ये होता है बेसिकली, इसमें हेपा फिल्टर लगा होता है हुड के ऊपर जो एयर फिल्टर करके अंदर फेंकता है, जो हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें सरफेस जैसे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा तो वो इसमें करते हैं। अब जैसे ये हमने क्या किया, उसको हम बंद कर दिया, और हम क्या कर देंगे 20 मिनट के लिए हम यूवी लैंप ऑन करके छोड़ देंगे। अब 20 मिनट के लिए जो है यूवी लैंप ऑन करने से क्या होता है कि उसके अंदर का जो भी कंटामिनेशन जर्म्स होगा वो एयरबॉर्न पार्टिकल खत्म हो जाए। ये 20 मिनट हो गया, अब हम क्या कर देंगे लाइट को यूवी लैंप ऑन कर ऑफ कर देंगे। ऑफ करने में भी देखना है कि हमेशा जो है इसमें यूवी लैंप ऑन होगा तो उसमें हाथ नहीं डालना है, और उसको हमेशा शीशे को बंद रखना है क्योंकि ये रेडिएशन होता है। अब यूवी लैंप बंद करके लाइट ऑन करेंगे और ब्लोअर ऑन को ऑन कर देंगे, ताकि जो है जो अंदर बाहर का जो हवा होगा वो अंदर ना जाए, तो ब्लोअर जो है वो होता है काम करता है। अब हम क्या करेंगे उसको उठा के, तो इसमें क्या होता है कि आप जब उसको शीशे को उठाएंगे तो उसमें एक मैग्नेट लगा रहता है, वो अपने आप उसमें ऊपर में चिपक जाता है। अब हम क्या करेंगे उसमें 70% अल्कोहल से हम क्या करेंगे जो अपने हाथों को रिंज कर लेंगे उसमें डालने से, हाथ डालने से पहले, यूज करने से पहले, क्योंकि अगर बाहर में अगर हम 70% अल्कोहल से नहीं करेंगे तो बाहर का जो भी कंटामिनेशन होगा वो अंदर चला जा सकता है, इसलिए हम करते हैं ये। तो ये है हमारा टेक्निक लेमिनार एयर फ्लो में कि कैसे यूज करते हैं।